इंडियन न्यूज स्पोर्ट्स के यूट्यूब पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे, मेरे साथ मनोज जी हैं हमेशा की तरह, और आज चर्चा होगी क्रिकेट वर्ल्ड कप की। काउंटडाउन शुरू हो चुका है फाइनल का। दो टीमें ऐसी हैं जो आज तक कभी वर्ल्ड कप जीत नहीं पाई, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। इंग्लैंड जहाँ क्रिकेट का जन्म हुआ, तीन बार फाइनल में भी पहुँचे लेकिन कभी फाइनल पर जीत हासिल नहीं कर पाए। सवाल तो यही, जहाँ पर क्रिकेट का जन्म हुआ, क्या वो इंग्लैंड इस बार इतना दावेदार है कि जीत पाएगा? दावेदार देखो जी, कागजों पर बहुत मजबूत टीम है और हर विशेषज्ञ, दुनिया भर के हर विशेषज्ञ ने वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले इंग्लैंड को हॉट फेवरेट बताया था। वो बात अलग है कि वो श्रीलंका से हार गया, फिर उसके बाद उसकी हार का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद तो नौबत ये आ गई कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वो भी इंतजार करने लगे कि भारत हराए इंग्लैंड को। फिर भारत नहीं हरा पाया तो फिर उम्मीद रखी गई कि न्यूजीलैंड हराए इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड भी नहीं हरा पाया और आखिरकार जो है इंग्लैंड ने अपने दम पर जो है सेमीफाइनल में जगह बनाई, सेमीफाइनल जीता, ऑस्ट्रेलिया को हराया, ऐसी ऑस्ट्रेलियन टीम को हराया जिससे वो लीग में भी हारा था, प्रैक्टिस मैच में भी हारा था और यहाँ सब कुछ उल्टा हो गया। तो इंग्लैंड कागजों पर तो निश्चित तौर पर न्यूजीलैंड से मजबूत है। इसकी वजह क्या ये है क्या, क्योंकि लगातार जब भी इंग्लैंड का दावा मजबूत बताया गया या पलड़ा भारी बताया गया तो ये कहा गया कि चूंकि होम ग्राउंड है, उनके घर में हो रहा है और इसलिए वो ज़्यादा मजबूत हैं और इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा पाना बड़ा मुश्किल है। और इसी को लेकर एक संजोग भी, मैं लगे हाथ उसकी भी चर्चा कर दूँ, क्योंकि पिछले दोनों वर्ल्ड कप वो टीमें जीती जो मेजबान नहीं। 2011 हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप हुआ, मुंबई में भारतीय टीम चैंपियन बनी और उसके बाद 2015 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ऑस्ट्रेलिया की टीम चैंपियन बनी। तो क्या 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में है तो इंग्लैंड चैंपियन बनेगा? देखिए, कई समस्याएं इंग्लैंड के लिए भी उभर कर सामने आ गई हैं। जो वर्ल्ड कप से पहले जब भी वो होस्ट होता है कोई ना कोई दिक्कत जरूर आती है। अब दिक्कत ये आ गई है कि एक उनके जो स्पिनर हैं, नियमित स्पिनर जो कि बहुत ही मॉर्गन के भरोसे के स्पिनर हैं आदिल रशीद, वो इंजर्ड हो गए हैं। अब उनका खेलना बहुत संदिग्ध है। अगर वो नहीं खेलते हैं तो मोइन अली को खिलाया जाएगा। मोइन अली ठीक है, अच्छे ऑलराउंडर हैं, उपयोगी यूटिलिटी प्लेयर हैं, लेकिन बल्लेबाजी बहुत अच्छी करते हैं। एक बार वर्ल्ड कप में आपने देखा 11 बॉलों पर उन्होंने 31 रन की पारी भी खेली, लेकिन जो स्पिन बॉलिंग में जो धार होनी चाहिए जो सेंटनर के पास है न्यूजीलैंड के, वो इनके पास नहीं है। तो एक अगर स्पिन बॉलिंग के मोर्चे पर बल्लेबाजी की बातचीत कर लें, ये तो बात आपने अच्छी चर्चा की, लेकिन न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी कमजोर है। उनके एक दो खिलाड़ियों को आप छोड़ दीजिए तो कोई बल्लेबाज इतनी लय में नहीं आता कि कोई बहुत बड़ा स्कोर बना दें या फिर उसको उसका पीछा कर लें। गेंदबाजी उनकी ठीक है, वो शानदार है, भारत के खिलाफ उन्होंने दिखाया भी, लेकिन बड़ा स्कोर बना लें या बड़े स्कोर का पीछा कर लें, क्या न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी इतनी मजबूत दिखती नहीं? बिल्कुल मजबूत नहीं है और आप विलियमसन तक पूरी तरह से सीमित हैं। रॉस टेलर हैं जो कभी कभार चमकते हैं, पिछले मैच में जरूर चमके थे, मौके पे चलते हैं, मौके पे चौका लगाते हैं। टेलर तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के खिलाफ थोड़ा सा ज्यादा चल जाते हैं और बाकी उनका प्रदर्शन बहुत ही एवरेज रहा, उस स्तर का नहीं रहा। गुप्टिल जिन्होंने डबल सेंचुरी जिनके नाम पर है वनडे क्रिकेट की, वो इस पूरे वर्ल्ड कप में रनों के लिए जूझते ही रहे। मुनरो थे पहले जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हेनरी आए, हेनरी निकोलस, वो भी नहीं चल पाए। कई बार तो वो डबल फिगर से आगे बढ़ने के लिए जूझते दिखाई दिए। तो बल्लेबाजी वास्तव में उनकी बहुत कमज़ोर है। कॉलिन डेन जो ग्रैंड होम है, वो बीच बीच में उपयोगी बल्लेबाजी कर लेते हैं, और निशम जिन्होंने एक बार 97 रन की पारी खेली है, तो बल्लेबाजी जो है उनके पास है पीछे तक, लेकिन सवाल है कि वो चलने की बात, कि वो चल नहीं पा रहे हैं, और ये बहुत बड़ा अंतर है। और दोनों में अगर सबसे बड़ा अंतर, मूलभूत अंतर देखें हम, तो इंग्लैंड की जो सलामी जोड़ी है वो बहुत सुपर हिट है और इनकी बिल्कुल इनका फ्लॉप शो चल रहा है न्यूजीलैंड का। ये बहुत बड़ा अंतर है दोनों टीमों के बीच में। मुझे तो लगता है कि कल जब मुकाबला शुरू होगा, टॉस होगा, तो मुझे तो लगता है कि न्यूजीलैंड यही सोच रही होगी कि टॉस जीत जाए, पहले बल्लेबाजी कर लें ताकि प्रेशर फ्री होकर बैटिंग कर पाए, कोई बड़ा स्कोर खड़ा कर पाए। वैसे भी प्रेशर में वो पीछा कर पाएंगे ये मुझे तो नहीं लगता। लॉर्ड्स की कहानी भी यही कहती है, अभी तक जितने यहाँ पर मैच हुए, यहाँ पर जो टीम पहले खेलती है 300 के आसपास उसका स्कोर रहा, 300 पार भी किया, लेकिन अपोनेंट टीम को 250 से ऊपर नहीं बनाने दिया। तो ये अपने आप में एक मिथ है। ये कहिए कि हर टीम यही चाहेगी, इंग्लैंड भी अगर टॉस जीतेगी तो पहले बल्लेबाजी ही करना चाहेगी। तो यहाँ वही है कि अगर न्यूजीलैंड बल्लेबाजी करती है तो निश्चित तौर पर उसके लिए एक बड़ा स्कोर खड़ा करना और बाद में उसको रोकना, दोनों उसके लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से ट्रेंट बोल्ट ने बॉलिंग की थी भारत के खिलाफ और उनका साथ निभाया था बहुत अच्छा हेनरी ने, जो कि एकदम एक सरप्राइज पैकेज के तौर पर उभर कर आए, और उसके अलावा भी उनके पास सेंटनर हैं और बाकी जो यूटिलिटी प्लेयर हैं उनके पास, बॉलिंग उनकी बुरी नहीं है। फर्गुसन भी उनके बहुत अच्छे आला दर्जे के गेंदबाज हैं। दिक्कत वही बल्लेबाजी की है। बल्लेबाजी दोनों टीमों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था
और हमें ये पता चला कि हम नंबर वन पर रहकर हम न्यूजीलैंड से भिड़ेंगे, तो हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोगों की बातचीत गिल गई थी। हमने मान लिया कि अब हम फाइनल में पहुंच गए, फाइनल में देखना कि किससे हमारा मुकाबला होगा। फिर तो अब ये चर्चा फिर वो उस ओर चली जाएगी कि हम क्यों हारे, अब क्या ओवर कॉन्फिडेंस। नहीं, मैं उस पर नहीं, मैं सिर्फ एक संदर्भ के तौर पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड को हल्के नहीं आंक सकते आप किसी भी हालत में, क्योंकि न्यूजीलैंड ने पिछले वर्ल्ड कप में भी फाइनल में जगह बनाई, इस बार लगातार दूसरी बार उसने फाइनल में जगह बनाई। इंग्लैंड की टीम कहीं नहीं थी पिछली बार, लेकिन इस बार उसने चार साल में अपने प्रदर्शन को फर्श से अर्श तक पहुँचाया है। और फ़र्क यही है कि अगर बल्लेबाजी अगर न्यूजीलैंड की चल गई या पहले बल्लेबाजी करने का उनको अवसर मिला और बड़ा स्कोर खड़ा किया तो मुकाबले में रोमांच आ सकता है, नहीं तो मुकाबला हो सकता कि कोई शेर और मेमने की लड़ाई बन के रह जाए, कोई मुझे आश्चर्य नहीं होगा। ये आपने अच्छा जिक्र किया, न्यूजीलैंड पिछली बार अगर मैं ठीक हूं पहली बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी, लगातार दूसरी बार आप वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचते हैं, उससे पहले 6 बार सेमीफाइनल में जरूर पहुंचे लेकिन वहां से बाहर हो गए। बिल्कुल, तो ये एक होता है कि अब नहीं तो कभी नहीं, शायद इस मेंटेलिटी के साथ न्यूजीलैंड खेलने उतरेगा कि पिछली बार की जो कसक थी वो इस बार पूरी कर ली जाए। वो तो निश्चित तौर पे करेगी, लेकिन इंग्लैंड की भी बात मैं कहूंगा कि अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि इंग्लैंड को जिस तरह से मौके मिले हैं, ऑस्ट्रेलिया को उसने जिस तरह से शिकस्त किया है, टीम नहीं है ऑस्ट्रेलिया, नहीं है इंडिया जो हॉट फेवरेट थी वो नहीं है, बाहर हो चुकी है इंडिया की टीम, तो मुझे लगता है इंग्लैंड के लिए भी है कि क्रिकेट का जन्म तो हुआ लेकिन कभी बादशाह कायम नहीं रख पाया, तो इस बार जीत लो। तो मैं तो कहूंगा कि जो लाल रंग की जो बड़ी खूबसूरत लॉर्ड्स की जो बालकनी है लाल पत्थरों की बनी हुई, कभी वो खिताब नहीं कर पाए। आप देखिए क्लाइव लॉयड ने 75 में वहां उठाया कप, 79 में भी क्लाइव लॉयड ने इसे दोहराया, फिर कपिल देव ने दोहराया और फिर 1999 में स्टीव वॉ ने वहां से कप को उठाया था, लेकिन इंग्लैंड को यह नसीब नहीं हो पाया। तो अब देखना है कि एक सुनहरा अवसर है, वो वास्तव में आपने ठीक कहा, अब नहीं तो कभी नहीं। अच्छा, एक और बड़ा दिलचस्प संजोग है जिसकी चर्चा हो रही है कि 23 साल बाद वर्ल्ड क्रिकेट को नया चैंपियन मिलेगा। 96 में श्रीलंका जब पहली बार चैंपियन बनी तो उसमें ऐसा हुआ कि पहली बार कोई टीम तब जीती थी जो जिसने कभी वर्ल्ड कप जीता नहीं था। 96 के बाद जितने भी वर्ल्ड कप हुए वो टीम चैंपियन बनी जो पहले कभी चैंपियन बन चुकी थी। उसके बाद अब ऐसा होगा कि कोई टीम ऐसी चैंपियन बनने जा रही है जो कभी चैंपियन आज तक नहीं बनी। ये विश्व क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है कि मतलब पहली बार जो है कोई पहला चैंपियन बनने जा रहा है जो जिसने पहले अच्छा, कभी मजेदार एक चीज और है, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। मजेदार एक चीज और है कि ये दोनों ही टीमें वर्ल्ड कप के शुरुआती एडिशन से खेलती आई हैं। बिल्कुल, 75 वर्ल्ड कप से लेकर लेकिन आज तक कभी जीती। लेकिन ठीक है, इस बार रोमांच आएगा, बस मैं तो ये चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड की पहले बल्लेबाजी हो ताकि हमें एक तरफा मुकाबला देखने को ना मिले, रोमांच से भरा हुआ मुकाबला देखने को मिले। जिस तरह से जो हश्र न्यूजीलैंड ने हमारा किया है, तो हम तो चाहेंगे कि इंग्लैंड जो है जो क्रिकेट का जन्मदाता भी है और वो न्यूजीलैंड को हराए और बदला ले, और इससे अच्छी बात और क्या होगी। अच्छा, एक दो दो प्लेयर में दोनों टीमों की अगर बातचीत करूं, कौन ज़्यादा क्रुशियल हो सकते हैं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की ओर से? अगर न्यूजीलैंड की बात की जाए तो ट्रेंट बोल्ट तो है ही हैं और विलियमसन, बल्लेबाजी में विलियमसन, और अगर इनकी इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड में तो खैर कोई कौन सा बल्लेबाज कब चल जाए, मॉर्गन चल जाए, अगर ज़्यादा विकेट खो दिए जाए तो नीचे बटलर भी हैं संभालने के लिए, उनका जो ऑलराउंडर हैं स्टोक्स, बेन स्टोक्स, वो बहुत ही गजब के जिस तरह से रिवर्स इंग्लैंड के प्लेयर्स को वाइब्स आने लगी है, कई सारे उनके प्लेयर्स के ट्वीट्स हैं जो बड़े इमोशनल ट्वीट्स हैं इंग्लैंड के फाइनल में पहुंचने पर, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि न्यूजीलैंड ऐसी टीम है जिसे हराकर जो ये सूखा है उसे हम खत्म कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, उसकी शुरुआत जो जब से जेसन रॉय आए हैं टीम में एकदम कायाकल्प हो गई है। बेस्टो भी वो पुराने वाले बेस्टो नहीं रहे, उनमें भी एक नया निखार आया है। जिस दिन बेस्टो चलते हैं उस दिन बल्ला उनका घूमता है, तो उस दिन जेसन रॉय जो है बहुत ही टिककर बल्लेबाजी करते हैं, जब जेसन रॉय खुलकर खेलते हैं तो बेस्टो थाम लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में। आप ये नहीं कह सकते कि जैसे गावस्कर श्रीकांत की जोड़ी थी कि श्रीकांत को बल्लेबाजी करनी है तो फास्ट ही खेलना है और गावस्कर को टुक टुक करके अपनी रन गति को आगे बढ़ाना है। कोई शीट एंकर जो है दोनों में से कोई एक करता है, दोनों विस्फोटक नहीं खेलते, जो इंग्लैंड टीम के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सोची समझी उनकी रणनीति है। उसके बाद जो कंसिस्टेंट लगता है कि उन्हें वाइब्स आने लगी है, हाँ, कि हम जीत सकते हैं। बिल्कुल, कागजों पर निश्चित तौर पर बहुत अच्छी टीम है, लेकिन जो हश्र उनका बाद में बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के खिलाफ हुआ या जो अन्य मैचों में हुआ जिसमें वो हारे हैं, वो बाद में चेज करते हुए हो सकता है। अगर ठीक ठाक स्कोर अगर बना लेता है न्यूजीलैंड, अगर पहले बल्लेबाजी का मौका मिलता है, तो उसके बाद जो है इनके गेंदबाजों में इतनी कुव्वत है कि इंग्लैंड पर प्रेशर वो डाल पाए। निश्चित तौर पर मैच बहुत ही रोमांचक हो सकता है उस स्थिति में ही, लेकिन जो लीग मुकाबला हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में तो इंग्लैंड ने बहुत ही सहजता के साथ मैं कहूंगा न्यूजीलैंड को हराया नहीं, न्यूजीलैंड को मसल दिया था। लगातार वर्ल्ड कप पर चर्चा चल रही है इंग्लैंड के प्लेयर्स की, हमने बातचीत कर ली किस तरीके से इनके पुराने प्लेयर्स को वाइब्स आने लगे हैं,
एक और बड़ी दिलचस्प बात है, अगर लीग मुकाबलों या पिछले कुछ मुकाबलों के इतिहास पर अगर नजर डालें तो उस हिसाब से आपका कैलकुलेशन क्या? इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में जो मुकाबला हुआ था आपने देखा लीग के अंदर, बिल्कुल एक तरफा बना दिया था मुकाबले को इंग्लैंड ने, और उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है इंग्लैंड की सलामी जोड़ी पर, जेसन रॉय और बेस्टो ने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया था, सेंचुरी पार्टनरशिप की, और उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम मुकाबले में कहीं है ही नहीं। अगर यही कुछ ऐसा देखने को मिला जो चेस्टर ली में हुआ था, चेस्टर ली की कहानी अगर लॉर्ड्स में दोहराई गई तो मुकाबला एक तरफा ही होने वाला है, और अगर खुदाना खास्ता बल्लेबाजी पहले इंग्लैंड की आ गई तो शेर और मेमने की लड़ाई भी बन सकता है ये मुकाबला। चलिए ये तो वक्त बताएगा कि शेर और मेमने की लड़ाई बनता है या फिर मुकाबला जो है वो कांटे की टक्कर होती है इस मुकाबले में, वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में, ये वक्त बताएगा। इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है जैसा मनोज जी ने कहा कि इतना तय है कि एक नया चैंपियन मिलेगा विश्व क्रिकेट के लिए, क्रिकेट की बेहतरी के लिए। ये बड़ी अच्छी बात है कि जो देश अभी तक कभी चैंपियन नहीं बन पाए, जहां से क्रिकेट का जन्म ही हुआ, वो कम से कम आगे आए हैं, वो चैंपियन तो बने, सूखा कम से कम खत्म हो जाए। और जैसा कि कहा कि मनोज जी तो कम से कम इंग्लैंड को फेवर कर रहे हैं, लेकिन देखिए चैंपियन कौन बनता है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना।